फ्रेंच फ्राइज से बोर हो गए हो तो बनाओ उसका बड़ा भाई पोटैटो वेजेस। वैसे तो ये फ्रेंच फ्राइज की तरह ही होते हैं पर उससे अच्छा टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 आलू को अच्छे से वॉश करके लिया है और अब इन आलू को बीच में से कट करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। आप चाहो तो इन आलू को पील करके भी ले सकते हो, पर बिना पील करके सही रहता है क्योंकि फ्राई भी अच्छे से होगा और न्यूट्रिशन भी अच्छा देगा। चलो अब आलू तो कट हो गए, अब एक पैन रखेंगे गैस पर, उसमें एक ग्लास पानी डाल के ये आलू जो हमने कट किए थे वो बॉईल कर लेंगे। अब इसको 5-10 मिनट तक लिड से कवर करके रख दो। 5 मिनट हो गई है और हमारे आलू भी बॉईल हो चुके हैं। ध्यान रखें कि 5 मिनट से ज़्यादा इसको बॉईल ना करें, अदरवाइज ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हमको लेना है ये स्ट्रेनर और इससे सारे आलू का पानी निकाल कर इनको एक प्लेट में रख लेंगे। अब सारे बॉइल्ड आलू को एक बॉल में ट्रांसफर कर दो। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लावर से आलू को अच्छे से कोट करना है जिससे इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए और ये अच्छे से स्लरी में डिप हो पाए। अब इसको मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देते हैं और इतने हम अपनी स्लरी बना लेंगे। तो स्लरी के लिए सबसे पहले लो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 स्पून मैदा, 1 पैकेट ऑफ ऑरिगैनो पूरा डाल लेंगे, 1 पैकेट चिली फ्लेक्स का और अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ी काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करते रहे और थोड़ा पानी और ऐड कर ले जिससे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए, वरना ये कोट नहीं हो पाएंगे। अब इसको फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पर रखो एक पैन, उसमें डालो ऑयल और प्रिपेयर्ड स्लरी में एक एक आलू को डिप करो कोटिंग के लिए और फिर हॉट ऑयल में छोड़ दो। अब यही सेम प्रोसेस सारे आलू के साथ कर लो। ध्यान रखें जब एक आलू हल्का सा फ्राई हो जाए तभी दूसरा आलू फ्राई करने के लिए डालें, अदरवाइज ये आपस में चिपक जाएंगे। अगर आपके पास अवन है तो आप इनको 200 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए रख सकते हो। अब 5 मिनट बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो स्ट्रेनर की हेल्प से सारे आलू बाहर निकाल लो। इसमें सारा खेल फ्राई करने का ही है। अगर आपने इसको ज्यादा देर तक फ्राई कर लिया तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे और अगर आलस करके लो फ्लेम पर फ्राई किया तो ये ऑयली हो जाएंगे। तो इसको अब किसी टिश्यू पेपर या कपड़े पर निकाल लो जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अब हमारे पोटैटो वेजेस बन के रेडी है। मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो खा रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, ये हमारे दिल की तरह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। वाओ, इट्स सो टेस्टी। आप भी बनाओ और कमेंट करके बताओ कैसा बना।